हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पाइथन बिगनर्स। तो आज हम बात करेंगे फंक्शंस की, कैसे हम फंक्शंस को पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए बात कर लेते हैं फंक्शंस की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फंक्शन। अ फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स वैन इट इज़ कॉल्ड। मतलब फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जब हम उसको कॉल करते हैं वो स्टेट, वो ब्लॉक तभी रन करता है। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इन टू अ फंक्शन। हम जो फंक्शंस है उसके अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ए फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज ए रिजल्ट। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम फंक्शंस को यूज़ कर लेते हैं। इन पाइथन फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग डेफ कीवर्ड। चलिए देख लेते हैं डेफ। मैंने डेमो नाम का एक फंक्शन बना लिया है। यहाँ पे भी इंडेंटेशन का ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो। हेलो फ्रॉम फंक्शन। तो अब जब भी हमें इसकी ज़रूरत होगी, जब भी हमें इसकी नीड होगी, तो हम यहाँ पे से कॉल कर लेंगे। तो कॉल करने के लिए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया। आप देखते हैं कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे डेमो फंक्शन को कॉल कर लेंगे हेलो फ्रॉम फंक्शन। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, बिना ब्रेसेस के हम अगर यूज़ करते हैं तो ये इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। चलिए देखते हैं पैरामीटराइज फंक्शन कैसे बनाते हैं हम पाइथन के अंदर। डेफ माय फंक्शन पैरामीटर पास करने, इसके अंदर तो मैं यहाँ लिखूँगा कोई भी मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ इसके अंदर प्रिंट एफ नेम। ऐसे हम कॉन्क्रीट करते हैं प्लस से, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं माय फंक्शन, और इसमें ये पैरामीटर पास करेंगे पाइथन। तो एफ नेम जो है वो पाइथन आ गया। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे हम इसमें वैल्यू रिटर्न कराते हैं। रिटर्न वैल्यू डेफ डेमो, इसमें पैरामीटर पास करते हैं हम एक एक्स, यहाँ लिखेंगे रिटर्न फाइव इंटू एक्स। मीन्स मैंने जो वैल्यू आएगी पैरामीटर के थ्रू उसकी मल्टीप्लाई करके फाइव से उसे रिटर्न करा दिया है। यहाँ पे मैं वैल्यू यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूँगा प्रिंट, और यहाँ पे इसके अंदर मैं कैसे कॉल भी कर सकता हूँ इसको डेमो फाइव ही मैंने वैल्यू पास कर दी है। जो एक्स की वैल्यू है वो मैंने फाइव पास कर दी है, तो आउटपुट आएगा 25, फाइव इंटू फाइव 25। तो अब हम बात कर लेते हैं लैम्डा फंक्शंस की। तो लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं? लैम्डा फंक्शंस अननेम्ड फंक्शंस होते हैं, मतलब हम इनका कोई नाम डिफाइन नहीं करते, ये सिंगल लाइन फंक्शंस होते हैं। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर वो भी देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं लैम्डा फंक्शंस का, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो सिंपल लैम्डा फंक्शंस का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है लैम्डा आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे उसकी एक्सप्रेशन आ जाती है। ऐसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं लैम्डा फंक्शंस के एग्जांपल को। एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा, ए में हम 10 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं एक्स की एक्स ऑफ फाइव। मैंने जो ए की वैल्यू दी है वो मैं फाइव दे रहा हूँ,
और ये क्या करेगा, ए की वैल्यू 5 असाइन करेगा और प्लस 10 15। चाहूँ तो वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 10 दिया तो इसका आउटपुट आएगा 20, 10 प्लस 10 और ये एक्स में रिटर्न हो रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स कैसे हम यूज़ कर देते हैं पाइथन में। डेफ फंक्शन, यहाँ पे हम आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट के लिए एस्ट्रिक यूज़ करते हैं और यहाँ पे वैल्यू एक पैरामीटर पास किया एन, सम एक वेरिएबल डिफाइन किया इज इक्वल्स टू 0 और एक लूप लगाएंगे यहाँ पे फोर आई इन एन, जो एन से वैल्यू मिलेगी वो आई में असाइन होती रहेगी। यहाँ लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, मीन्स जो वैल्यू आई में होगी वो सम में ऐड होके सम में असाइन होती रहेगी। तो यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं सम की वैल्यू। और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हम कितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ये तो यही बेनिफिट है हमारे पास आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स का कि हम सिंगल एक पैरामीटर यूज़ करके मल्टीपल वैल्यूज़ को हम उसमें असाइन कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से 0 है, यहाँ पे आई में वैल्यू आएगी एन से उठ के, यानी 40 30 20 जो भी आएगा वो आगे तक इसमें आई में आता रहेगा और फिर सम में जाके स्टोर हो जाएगा वो, और फिर सम में हमने वैल्यू को प्रिंट करा लिया है। तो अब बात कर लेते हैं रिकर्जन की, कैसे हम पाइथन में रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं और रिकर्जन के थ्रू एक छोटा फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डेफ फन ऑफ एन, इफ एन इज 1, अगर एफ एन 1 होता है हमारे पास तो हम यहाँ पर रिटर्न करा देंगे 1। यही लॉजिक होता है फैक्टोरियल का जब हम रिकर्जन से करते हैं तो। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक वैल्यू लेंगे एस इज इक्वल्स टू एन इन टू फन ऑफ एन माइनस 1, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसका एक डिक्रीमेंट होता है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम रिटर्न करा देंगे हम एस को जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है। यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर देंगे और इसके अंदर हम फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास कर देंगे 5, जिससे इसका फैक्टोरियल रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे हम चाहे तो 6 का फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, 120 देन 7, 7 का भी हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं 520। तो आज की वीडियो में इतना ही, जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो बात करेंगे स्ट्रिंग की, कैसे हम स्ट्रिंग को पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। Thank you for watching this series.